अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे किचन में बन रहे हैं चिकन स्टॉक क्यूब्स। क्या ये मुमकिन है कि हम इसे घर में बना लें? जी बिल्कुल, बगैर किसी नुकसानदेह इंग्रेडिएंट या प्रिजर्वेटिव के। आइए इसे घर में तैयार करते हैं। मैंने एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है और उसी के साथ 6 लौंग और 6 काली मिर्च, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा और 2 तेज पत्ते। एक इंच का अदरक का पीस ले लिया है और उसी के साथ 5 अदद लहसुन के जवे। नमक इस वक्त हम आधा चम्मच डालेंगे क्योंकि बाद में भी हमें इसमें शामिल करना है। एक छोटी साइज की प्याज, उसे स्लाइसेस में कट करके रख लिया है। एक छोटा टमाटर, उसको भी स्लाइसेस में कट कर लिया है। और तकरीबन 1 कप के बराबर गाजर ली है। और ये है 2 पाउंड्स ऑर्गेनिक चिकन, जो कि किसी भी किस्म के आर्टिफिशियल हार्मोन और एंटीबायोटिक के बगैर है। मैं इसमें 6 कप पानी डाल के तेज आंच पे उबलने के लिए रख दूंगी। कोशिश कीजिएगा दोस्तों, अगर आप भी इस रेसिपी के लिए देसी चिकन का इस्तेमाल कर सकें तो फिर आप इस रेसिपी को 100% हेल्दी कह सकेंगे। एक फ्रेंडली रिमाइंडर हमेशा की तरह इस रेसिपी को लाइक करने का। अब जबकि चिकन में उबाल आ चुका है तो मैं आराम से चमचे की मदद से सारे झाग इस पे से हटा रही हूँ। इससे अच्छी तरह से सफाई हो जाती है चिकन की। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। इससे जायका बिल्कुल कम नहीं होता चिकन का। चाहे तो मुकम्मल तौर पे पानी भी तब्दील कर सकते हैं। अब एक एक करके तमाम इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करना शुरू कर दिए हैं मैंने। पहले प्याज डाली है और टमाटर और अब गाजर। उसी के साथ बाकी तमाम इंग्रेडिएंट जो मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, वो तमाम इसमें ऐड करके ढक के हल्की आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। हम जो बाजार से बहुत ही बड़े ब्रांड की चिकन क्यूब्स खरीद के लाते हैं, उसमें तकरीबन 50% से ज्यादा MSG यानी चाइनीज सॉल्ट होता है, जो कि हम सभी जानते हैं हमारी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। अब हमने उसी मज़ेदार सी चिकन स्टॉक क्यूब को बगैर किसी हार्श इंग्रेडिएंट के अपने घर में ही तैयार कर लिया है, ना मज़ेदार बात। हम सबकी यही ख्वाहिश होती है कि खाना तमाम घर वालों का मनपसंद हो और हर कोई दस्तरखान से खुशी खुशी उठे। उस ख्वाहिश की तकमील के लिए हम अपने खानों को जायका देने के लिए हर दूसरे खाने में स्टॉक क्यूब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वो किस कदर प्रोसेस्ड है ये तो हम सभी जानते हैं। तो अब इस हेल्दी तरीके से आप स्टॉक क्यूब बनाइए और अपने खानों को जायका दीजिए। अब जब 1.5 कप के बराबर यखनी रह गई चिकन में, तो मैंने उसे छान लिया है और चिकन को ठंडा होने पे श्रेड करके साइड पे रख लूंगी। अब हमें इस यखनी को थिक करना है और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट और भी ऐड करने हैं, जिसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च। अब एक अलग से पैन में मैंने 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल लिया है और उसमें ये बाकी के तमाम पाउडर इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ। आंच बहुत हल्की है क्योंकि अगर मैंने आंच तेज कर दी तो ये तमाम पाउडर इंग्रेडिएंट जल्दी से जल जाएंगे या फिर उड़ना शुरू कर देंगे। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप अपने कौन कौन से खानों को चिकन स्टॉक या चिकन क्यूब की मदद से जायकेदार बनाते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब कॉर्न स्टार्च में तकरीबन 2 टेबलस्पून ठंडा पानी ऐड करेंगे, उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके बाकी तमाम मसालों के साथ मिक्स करते जाएंगे। चमचा चलाना बराबर बहुत जरूरी है, वरना लंपी हो जाएगा, जो कि हमें नहीं होने देना है। आंच बहुत हल्की रखेंगे इस पॉइंट पे भी। अगर आप इस मौके पे विस्क का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे आप हर तरफ बराबर का अच्छी तरह से हिला सकते हैं और मिक्स कर सकते हैं इस स्लरी को बाकी तमाम अज्जा के साथ। ये देखिए, अब इसमें उबाल आ गया है तो इसे हल्की आंच पे थिक होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, आखिर में इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से होनी चाहिए। अब इस पॉइंट पे जो हमने चिकन श्रेड करके रखी हुई थी साइड में, वो तमाम इसमें ऐड कर देंगे।
अब मैं अपने हैंड ब्लेंडर की मदद से इन तमाम अज़ा को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। हमें इसे एक थिक पेस्ट की शक्ल देनी है। ये देखिए, इस पेस्ट को इतना थिक होना चाहिए। अब मैंने इस डिश को ग्रीस कर लिया है ऑयल की मदद से। हर तरफ अच्छी तरह से मैंने ऑयल लगा लिया। आप चाहें तो पार्चमेंट पेपर भी नीचे बिछा सकते हैं और उसके बाद जो पेस्ट बनाया था वो उसमें ट्रांसफर कर दिया। अच्छी तरह से हर तरफ इसको स्प्रेड कर लिया। अब इसे क्लियर रैप से कवर करके फ्रीज कर लेंगे। मेरे चैनल पे दोस्तों बहुत सारे सूप्स की रेसिपी मौजूद हैं, जिसमें वेजिटेबल सूप भी है और चिकन सूप भी। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। वैसे मैं इन स्टॉक क्यूब्स की मदद से सूप कैसे बनता है वो भी बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। ये लीजिए दोस्तों, आपका इंतजार खत्म हुआ और ये हमारा टेस्ट एनहेंसर मैजिक टेस्ट मेकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक एक इंच के फासले से इसके क्यूब कट कर लूंगी। आप जितना बड़ा साइज चाहें अपनी क्यूब्स का रख सकते हैं। और इस बात से तो आप बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे कि कितनी इकोनॉमिकल रेसिपी है ये। सिर्फ 2 pounds चिकन से हमने कितनी सारी स्टॉक क्यूब्स तैयार कर ली हैं। अब तो दाल में भी होगा मुर्गी का मजा और तमाम सब्जियां होंगी मुर्गी के साथ। जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको ये बजट फ्रेंडली हेल्दी रेसिपी। आपके घर वाले भी खुश और आप भी खुश। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसमें किसी भी किस्म का प्रिजर्वेटिव तो इस्तेमाल किया नहीं है, तो हमें इसे फ्रीजर में ही रखना पड़ेगा। बहुत आराम से हम इसे फ्रीजर में रख के 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे इसको इंडिविजुअली रैप करके एक फॉइल की मदद से फ्रीजर में रख लूंगी। आप चाहें तो इसे किसी भी बड़े प्लास्टिक बैग में डाल लें या फिर इसी तरह से अलग अलग रैप करके भी रख सकते हैं। इस रेसिपी के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगी। आपने इन क्यूब्स को बनते हुए देख के तो बहुत एंजॉय किया होगा। अब खा के और बना के भी देखिए कैसी लगी आपको। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, आपके सब्सक्रिप्शन का बहुत शुक्रिया। जरा बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिए ताकि मेरी तमाम रेसिपी सबसे पहले आपको मिले और वो भी फ्री में। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।